असल यर्स माया रिजवान चीमा फाउंडर एंड सी ई ऑफ मकान सोलूशन प्राइवेट लिमिटेड योर जर्नी फ्राम प्लाट टू होम इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने रिसेंटली ट्वेल्थ ऑफ नवंबर को एक लेटर निकाला है जिसमें ओवरसीज सेंट्रल की बैलेटिंग के हवाले से डिटेल पॉलिसी दी गई है उस हवाले से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और इस पॉलिसी के मुताबिक जिन मेम्बर्स को जिस तरह से रिक्वायरमेंट हैं वो भी बताऊंगा और कुछ जो पॉइंट्स मिसिंग है वो भी बताऊंगा और तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी कि सबसे पहले लेटर का जो मतन है स्टार्ट होता है लेटर लेटर डेटेड नवंबर रेफरेंस नंबर जीरो एट स्लैश टू वन स्लैश जीरो फोर जीरो की वेबसाइट पर जाकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं ये सोसाइटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है तो लेटर का जो बेसिक स्टार्ट होता है दैट इज़ बाई द ग्रेस ऑफ अल्लाह अल माइटी वी हैव अनाउंस द बैलेटिंग ऑफ ओवरसीज सेंट्रल दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट एंड ट्रस्ट ऑफ रिस्पेक्टेड मेम्बर्स एंड सेल्स पार्टनर बैलेटिंग इवेंट विल भी हेल्ड इन फेबर ट्वेंटी टू इन एंड रिजल्ट विल बी पब्लिश ऑन ऑफिशियल Website, terms and are below. अब ये जो ट्वेल्व पॉइंट्स हैं ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है मैं तमाम कोशिश करूँगा कि तमाम के तमाम पॉइंट्स को से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि जिस तरह से रिक्वायरमेंट है जो भी रिक्वायरमेंट है कैपिटल स्मार्ट सिटी की अपने मेंबर से तमाम पॉइंट्स को डिटेल्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले Uh, point number one have that is, all members who have already paid 100% upfront amount will be given the opportunity to choose the location on MAP at our head office F11 Islamabad without going into balloting. Same is the case for the members who have paid 50% and 40% upfront payment. However, they must pay their remaining installment by 4th December 2021 to entitle to choose the location. Members will be notified to choose a location in January 2022 respectively selection will be on first come first serve basis इस पहले पॉइंट में जो एक्सप्लेन की गई बात वो ये है कि जिन मेंबर्स ने भी प्लॉट की 100 परसेंट बुकिंग अपफ्रंट करवाई है जिन्होंने 10 परसेंट का डिस्काउंट भी अवेल किया था प्लस 100 परसेंट अमाउंट एडवांस पे की थी तो उन मेंबर्स को प्लॉट की लोकेशन चूजिंग की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जो हंड्रेड वाले मैंबर्स हैं वो तो बिल्कुल एक सिंपल सी बात है कि जिन्होंने हंड्रेड अमाउंट पे की थी उस पर टेन डिस्काउंट लिया था फॉर एक्जाम्पल किसी मेबर ने कनाल के प्लाट की बुकिंग कराई थी बासठ लाख दस हज़ार उसकी बुकिंग थी तो उसका छः लाख इक्कीस हज़ार डिस्काउंट लिया था तो उस मेंबर के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो थर्ड दिसंबर तक थर्ड दिसंबर तक खैर उनकी तो कोई ड्यू इंस्टॉलमेंट है नहीं वैसे भी लेकिन उस मेंबर के पास ये अपर्चुनिटी है कि वह जनवरी 2022 में अपने प्लॉट की लोकेशन चूज कर सकते हैं अब सेकेंड इसी पॉइंट में जो सेकंड बात है वो ये है कि फोर्टी और फिफ्टी वाले जो मेम्बर्स हैं जिन्होंने प्लाट की बुकिंग फिफ्टी परसेंट या फोर्टी से करवाई थी तो वो भी अपने प्लाट की लोकेशन चूज कर सकते हैं बशर्ते कि वो थर्ड दिसंबर फोर्थ दिसंबर ट्वेंटी तक जो उनकी ड्यू इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको क्लियर करें और अपने प्लॉट की लोकेशन चूज़ कर लें ये इस पहले पॉइंट का जो कंप्लीट मतलब है वो ये है और सेक सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इस पॉइंट में ये है कि इसकी लोकेशन जो है वो जनवरी 2022 से सिलेक्शन स्टार्ट होगी यानी कि एफ़ अलेवन मरकज में इस्लामाद में आप विज़िट करके दूसरे कोई साइट ऑफिस जैसे लाहौर में भी है डी में भी है यू में भी है डिफरेंट लोकेशन हैं अवेलेबल ऑफिस अवेलेबल हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ एफ़ एलेवन मरकज़ इस्लाबाद में आप इटसेल्फ खुद या फिर अपने रिस्पेक्टिव सेल एजेंट के थ्रू आप उस प्लॉट की लोकेशन चूज कर सकते हैं और ये लोकेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे होगी फॉर एग्जांपल जो इंडिविजुअल जनवरी 2020 में 2022 में पहले जाके लोकेशन चूज़ कर लेंगे तो उनके पास उनकी लोकेशन कंफर्म हो जाएगी अगर कोई इंडिविजुअल एड्स को, को प्लॉट चाहता है कि मेन रोड पे कॉर्नर प्लॉट से मिले और वो पहले अवेल नहीं करते और जाके जनवरी के, के मिड में जाके कहते हैं कि मैं ये लोकेशन चाहिए तो वो लोकेशन उनको नहीं मिलेगी क्योंकि वो लोकेशन पहले चूज़ हो चुकी होगी जो भी लोकेशन होगी जैसे पार्क फेसिंग कॉर्नर या कोई भी कैटेगरी प्लाट जिस तरह की आप लोकेशन इंसिस्ट करते हैं आप रिक्वायर्ड आपको आपको वो जाके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे लोकेशन चूज़ करनी होगी ये पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर वन का मतन है सेकंड इज़ के बुकिंग मेड बिटवीन फर्स्ट जुलाई 2018 एंड 31 दिसंबर 2019 मस्ट पे ऑल द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स बाय फोर्थ दिसंबर 2021 ट्वेंटी वन विल भी एलिजिबल फॉर बैलटिंग प्रायरिटी विल भी गिवन टू द मेबर्स ऑफ ट्वेंटी एटीन एंड ट्वेंटी नाइन्टीन फॉर लोकेशन चूजिंग ऑन फ्रंट ब्लॉक सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑन टाइम पेमेंट अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के पुराने मेंबर्स हैं अक्सर कैपिटल स्मार्ट सिटी के पुराने मेंबर जो पहली बैलेटिंग में नहीं आ सके थे वो शिकायत करते हैं कि हमारे प्लॉट की हमें लोकेशन नहीं मिल सकी या इस तरह से तो सोसाइटी ने उनके तमाम गिले शिपें दूर कर दिए हैं वो इस तरह से कि जिन मेंबर्स ने भी 2018 में या 2019 में बुकिंग करवाई थी और वो अपनी प्लॉट की इंस्टॉलमेंट फोर्थ ऑफ दिसंबर 2022 ट्वेंटी टू तक क्लियर ट्वेंटी तक क्लियर करते हैं तो अपनी प्लॉट की लोकेशन चूज़ कर सकते हैं और उनको प्रेफरेंस मिलेगी वो शुरू के जो ब्लॉक्स हैं ओवर्सिस सेंट्रल के जो फ्रंट ब्लॉक्स होंगे उनमें जाके अपनी लोकेशन चूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट टू के वो अपनी प्लॉट की जितनी ड्यू अमाउंट है 2018 से लेके 2004 दिसंबर 2021 तक जितनी ड्यू अमाउंट है वो सारी क्लियर करते हैं या 2019 में अगर प्लॉट किसी ने बुक किया है जब ओवरसीज सेंट्रल या ओवरसीज टू शुरू हुआ था तो वो प्लाट के मेम्बर्स भी अपने प्लाट की बुकिंग जो उनकी डेट है उससे ऑनवर्ड्स फोर्थ दिसंबर 2021 तक तमाम इंस्टॉलमेंट्स अपनी क्लियर करके अपने प्लॉट की लोकेशन चूज़ कर सकते हैं अब इसमें एक पॉइंट और मेंशन है कि ये जो 18 और 19 के मेंबर्स हैं जो पुराने मेंबर्स हैं अब ये प्लॉट अगर आप रीसेल में भी लेते हैं किसी इंडिविजुअल से रीसेल में बाय भी करते हैं तो तब भी आपके पास ये ऑप्शन वैलिड होगा कि आप इस प्लाट की लोकेशन चूज कर सकते हैं जो पहले पुरानी बुकिंग थी जिसमें पाँचवाला प्लाट की बुकिंग थी उन्नीस लाख पचास हज़ार और इक्कीस लाख की बुकिंग उन प्लाट के मेबर्स के लिए बहुत फ़ायदा है एक तो कि उनको प्राइस कम मिलेगी सेकेंड एंड कि उनकी जो जो प्रेफरेंस है लोकेशन की वो उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज कंपेयर टू किसी और मेंबर के अठारह दो हजार उन्नीस के मेंबर्स हैं लोकेशन चूज कर सकते हैं कि अगर वो अपनी प्लॉट की थर्ड पॉइंट इज के मेंटवीन फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टिल थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी मस्ट क्लियर देर फिफ्टी परसेंट पेमेंट और पेबल इंस्टॉलमेंट विच इज हायर विल टू बी एलिजिबल फॉर बेलेटिंग अब जो मेंबर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक बुकिंग की है वो अपनी तमाम 50% परसेंट पेमेंट कंप्लीट करें तो वो अब इन आसान अल्फाज में कहा जाए तो जो भी मेंबर्स जिन्होंने 2019 के बाद प्लॉट बुक किया और अपने प्लॉट की वो 50% परसेंट इंस्टॉलमेंट पूरी करते हैं तो दे आर एलिजिबल फॉर बैलेटिंग और उनका नाम बैलेटिंग में आ जाएगा अब आता है फोर्थ पॉइंट कि मेंबर्स हु हैव बुक फ्रॉम फर्स्ट जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स एंड अप फ्रंट अमाउंट ऑफ 40 परसेंट फिफ्टी परसेंट और 100 परसेंट विल बी एलिजिबल फॉर बैलेटिंग एंड सिलेक्शन ऑफ प्लॉट्स ऑफ देर ओन चॉइस एट द सेकंड स्टेज द डेट फॉर रेस्ट ऑफ द मेम्बर्स हु बुक द प्लॉट इन ट्वेंटी और ट्वेंटी विल बी अनाउंस सोन अब जिन्होंने ट्वेंटी ट्वेंटी वन में प्लॉट बुक किए हैं टेन परसेंट या ट्वेंटी परसेंट से उनकी डेट जो है वो बाद में अनाउंस की जाएगी बैलटिंग की उनको लेटेस्ट स्टेज पर चांस दिया जाएगा बट जिन मेम्बर्स ने ट्वेंटी ट्वेंटी वन में फोटी परसेंट फिफ्टी परसेंट या हंड्रेड परसेंट से प्लॉट बुक किया है उन मेम्बर्स के पास ये ऑप्शन होगा कि वो प्लॉट की लोकेशन अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी ड्यू डेट वह उनका कोई ड्यू डेट नहीं है वो जाके बस अपने प्लॉट की लोकेशन अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं बट जाहिर सी बात है दो हज़ार अठारह दो हज़ार उन्नीस वाले लोगों से बाद में चूज़ करेंगे तो अगर आप ब्लड से फिफ़्टी परसेंट फोर्टी परसेंट से बुक किया तो मेरे ख्याल में आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी आप जाके अपनी प्लॉट की लोकेशन चूज कर सकते हैं जिन लोगों ने बाद में टेन और ट्वेंटी परसेंट पर किया उनको बाद में लेटर स्टेज पर ही ऑप्शन दिया जाएगा ओवर सिर्फ से सेंट्रल ही ऑप्शन दिया जाएगा बट लेटर स्टेज पर अब आता है फिफ्थ पॉइंट कि ऑल ट्रांसफर्ड फाइल्स मेंबर्स ऑफ 2018, 2019, 2020 2021. मस्ट पे देर फिफ्टी परसेंट और पेबल इंस्टॉलमेंट्स विच इज़ हायर इज़ टू भी फॉर बेलेटिंग अब जिन मेम्बर्स ने भी दो हज़ार अठारह में बुकिंग करवाई दो हज़ार उन्नीस में बुकिंग करवाई दो हज़ार बीस में बुकिंग करवाई या दो हज़ार इक्कीस में बुकिंग करवाई वो एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट और जो भी उनकी ड्यू इंस्टॉलमेंट्स हैं लेट्स एक मेम्बर ने दो हज़ार अठारह में बुकिंग करवाई तो जाहिर सी बात है उनकी हंड्रेड परसेंट इंस्टॉलमेंट डी हुए एक मैंबर ने दो हज़ार उन्नीस में बुकिंग करवाई तो ऑलमोस्ट उनकी सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट इंस्टॉलमेंट दियू हैं फिफ्ट ट्वेंटी ट्वेंटी बुकिंग करवाई तो ऑलमोस्ट उनकी फोर्टी से फिफ्टी परसेंट हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन में करवाई तो एटलीस्ट उनकी थर्टी 33% थ्री परसेंट ड्यू इंस्टॉलमेंट्स होंगी बट सोसाइटी की तरफ से है एक आप कह कि इस बात की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप 50% परसेंट लीस्ट अमाउंट पे करें तो आपका प्लॉट बैलेटिंग में आ जाएगा तो जिन मेंबर्स के पास 2018, 2019 की बुकिंग है वो अपनी इंस्टॉलमेंट का 50 परसेंट प्लस रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करें जो ड्यू इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं ड्यू इंस्टॉलमेंट की जो डेट है दैट इज़ फोर्थ दिसंबर 2020 तो ड्यू इंस्टॉलमेंट जो भी इस डेट तक बनती हैं वो इस इंस्टॉलमेंट सारी अपनी क्लियर करके अपने प्लाट की बैलेटिंग में जा सकते हैं बैलेटिंग का मतलब ये कि आपके प्लाट को प्रॉपर अभी आपकी फाइल है कैपिटल स्मार्ट सिटी में इस वक्त हज़ारों फाइल्स हैं लेकिन आपको फाइल से प्लॉट में कन्वर्ट होने का जो सफर है वो आपके पास ये ऑप्शन है ये लेटर उस हवाले से है कि प्लॉट जब कन्वर्ट होता है प्लॉट का मतलब है कि आपके प्लॉट आपका प्लॉट कहाँ आपकी जो आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की है आपने जो एक एसेट एक्वायर किया है उस एसेट की लोकेशन क्या है फॉर एक्जाम्पल आपके पास फाइल होगी फाइल के ऊपर आपको ये नहीं पता कि आपका ब्लॉक कौन सा है आपका प्लॉट कौन सा है आपकी स्ट्रीट कौन सी है आपके पास सेक्टर कौन सा है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन बैलेटिंग के बाद आपके पास ये तमाम ऑप्शन आ जाएंगे आपको पता होगा कि आपके प्लॉट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है तो जो फाइल से प्लॉट बनने का सफर है ये उसके हवाले से बेसिकली लेटर है नेक्स्ट इज ये जी विद रेफरेंस टू द प्रीवियस लेटर ऑफ एफडी रेफरेंस नंबर एफ डी स्लैश एम स्लैश जीरो जीरो फोर स्लैश टू नाइन स्लैश टू जीरो सेवन डेटेड सिक्स अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी हु बुक देर प्लॉट ट्वेंटी पेमेंट बिटवीन सिक्स अप्रैल टू ट्वेंटी सेकेंड 2020 will विल be eligible to टू चूज़ location लोकेशन depositing डिपॉजिटिंग देर due amount of अमाउंट ऑफ द प्लाट अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पॉइंट में एक छोटी सी गलती है ये मैंने लेटर इनफैक्ट बिफोर एंड पढ़ा भी था लेकिन ये मेरे तभी नोटिस में नहीं आई बात इस लेटर में गलती है इस पॉइंट में गलती है कि अब जो मेम्बर्स हैं जिन्होंने जून जुलाई अगस्त तक जो अपनी एक लेटर था जिसमें अगस्त के अर्ली स्टार्ट तक जिन्होंने ट्वेंटी परसेंट से बुकिंग की थी ड्यूरिंग कोविड पीरियड एक सोसाइटी की तरफ से एक स्कीम एक आई थी कि जिन मेंबर्स ने ट्वेंटी परसेंट से बुकिंग करेंगे उन प्लॉट्स को लोकेशन चूजिंग का ऑप्शन मिलेगा तो ट्वेंटी में जिन मेम्बर्स ने डूरिंग कोविड आवर्स जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी प्लॉट की बुकिंग की विद ट्वेंटी डाउन पेमेंट अब इस लेटर में मैंशन है फ्रॉम सिक्स अप्रैल टू ट्वेंटी सेकेंड लेकिन इसमें जून और जुलाई का टाइम भी शामिल है क्योंकि सेवंथ मंथ तक ये टाइम फ्रेम था जिन मेंबर्स ने बुकिंग की उनको प्लॉट की लोकेशन चूजिंग का ऑप्शन है सब्जेक्ट टू के वो अपने प्लॉट की फिफ्टी परसेंट अमाउंट जो है वो कंप्लीट करें और अपने प्लॉट की अपनी लोकेशन जो है अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं नेक्स्ट इस जी के पॉइंट नंबर सेवन आता है कि ब्लॉक फाइल्स ऑफ ट्वेंटी एटीन ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी परसेंट मस्ट क्लियर देयर ऑल ड्यूज बिफोर फोर डिसंबर टू बिलीजिबल फॉर बैलेटिंग जो ब्लॉक फाइल हैं जिन्होंने अपनी ट्वेंटी के बाद कोई इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की टेन परसेंट वाली कैंसिल हो गई थी ट्वेंटी परसेंट वाली ब्लॉक हुई थी तो जिन मेंबर्स ने भी अपनी ब्लॉक फाइल्स को अनब्लॉक करवाना है वो फोर डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक अपनी तमाम इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करें तो उन मेंबर्स के प्लाट्स जो हैं वो भी बैलेटिंग में शामिल हो जाएंगे नेक्स्ट इज के मेंबर्स हु विश टू अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन ऑन मैप दे कैन पे दे फोर्टी परसेंट लम सम अमाउंट अन ड्यू अमाउंट ऑफ द प्लॉट ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्लॉट द अमाउंट इज ओवर द अमाउंट इज अब द ड्यू अमाउंट अच्छा ये भी एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिन मेंबर्स की सारी ड्यू इंस्टॉलमेंट्स क्लियर हैं और वो बैलेटिंग से पहले यानी कि अब जो ड्यू डेट गिवन है बैलेटिंग की दैट इज फेबररी बैलेटिंग से पहले अपनी एडवांस इंस्टॉलमेंट्स फोर्टी परसेंट एट पे करते हैं तो उन मेंबर्स को भी प्लॉट की लोकेशन चूजिंग का ऑप्शन मिल जाएगा Uh, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने 10 परसेंट से बुकिंग की थी या 20 परसेंट से बुकिंग की थी तो उन मेंबर्स के पास तो ये ऑप्शन नहीं है कि वो प्लॉट की अपनी फाइल अपनी प्लॉट की मर्जी से लोकेशन चूज़ कर सकें उन मेंबर्स के पास तो जाहिर सी बात है डे वन से ऑप्शन है कि जिन्होंने फोर्टी परसेंट और फिफ्टी परसेंट से बुकिंग की थी और रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स टाइम फ्रेम पे पूरे करते रहे हैं उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो अपने प्लॉट की मर्जी से लोकेशन चूज़ कर सकते हैं बट उन मेंबर्स का क्या कि जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से लोकेशन चूज़ नहीं की उस वक्त टेन परसेंट पे किया ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस या जिस तरह भी उनके मामला थे कि उनके

इट इज मेंबर्स टू रिस्पांसिबिलिटीन द रिसीट्स आफ्टर पेमेंट मेंबर हु बुक देयर प्लॉट फ्रॉम 100 परसेंट फिफ्टी परसेंट फोर्टी परसेंट अप्रंट पेमेंट आर हाईली एडवाइज टू इमीडिएटली अपटेन द एनोलॉलमेंट रिसीट्स अब ये वाक्य ना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है लास्ट ईयर कुछ हुआ जो था बहुत सारे मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने 40 परसेंट या 50 परसेंट जब बुकिंग की थी बट जब सोसाइटी ने बैलेटिंग के लिए 2019 में एक्नोलॉजमेंट सीट के लिए कहा था तो उन मेंबर्स ने डेंट द दे डेंट बॉर्डर्ड कि उन्होंने जाकर सोसाइटी से अपनी एक्नोलॉजमेंट सीट हासिल करें और उन्होंने एक्नोलॉजमेंट सीट हासिल नहीं की थी बट सोसाइटी इस साल ये ऑप्शन दे रही है कि जिन मेबर्स के पास भी बैलेटिंग के लिए उनको ऑप्शन दिया गया है वो अपने प्लॉट को जाके अपनी जो रिसीट्स हैं वो हासिल करें वहाँ से और रिसीट्स हासिल करने के बाद उसकी एक्नोलॉजमेंट सीट को इसका मतलब होगा कि उस पर लिखा है कि आपको लोकेशन चूजिंग की प्रेफरेंस दी जाएगी जब जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू में आपके सामने मास्टर प्लान रखा जाएगा ओवरसीज सेंट्रल का तो आप उस मैपे अपनी मर्जी की लोकेशन चूज कर सकते हैं अगर आपने फोर्टी परसेंट या फिफ्टी परसेंट से बुकिंग करवाई है तो उनको हाईली एडवाइज है ये बात कि वो इस दफा जाके फिफ्टीन नवंबर ऑनवर्ड जो सोआईटी ऑलरेडी इशू कर चुकी है टूडेज सेवनटीन ऑफ नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो आप ऑलरेडी दो दिन हो गए हैं ये योसाइटी की तरफ तो से ऑप्शन अवेलेबल है आप जाके अपने प्लाट्स की एक्नोजमेंट सीट हासिल कर सकते हैं और अपने प्लाट की मर्जी से लोकेशन चूज़ कर सकते हैं अदरवाइज लेट्स से किसी मेबर ने प्लाट टेन परसेंट से बुक किया और अपने प्लाट के सारे इंस्टॉलमेंट्स अब तक क्लियर रखी और उनकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो गई या थर्टी फोर्टी परसेंट रहता है वो एडवांस इंस्टॉलमेंट पे करके अपने प्लाट की मर्जी से लोकेशन ले सकते हैं थर्ड ऑप्शन इसके जिन मेम्बर्स ने सिर्फ टेन परसेंट से बुकिंग की और वो अपनी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स ऑन टाइम चलाते आ रहे हैं वो मेबर्स भी जाकर अपने प्लाट की इक्नोलॉजमेंट सीट लें और जनरल बैलेटिंग में शामिल हो जाए ये पॉइंट नंबर टेन का जो मतलब था वही था 11th पॉइंट इज द बैलेटिंग इंक्लूड्स रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स अच्छा इस बैलेटिंग में सिर्फ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स हैं उसमें कोई और चीज शामिल नहीं है यानी कि इसमें uh, जो विलाज हैं इसमें जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है इसमें जो आर्मी पार्क ब्लॉक है इसमें जो वर्सेस प्राइम ब्लॉक है वो शामिल नहीं है इस ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज सेंट्रल के रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट शामिल हैं इस बैलेटिंग में फेबर वाली में आई थिंक सोसाइटी ने अनाउंसमेंट जो की थी ऑन द इवेंट उस उसमें कहा गया था कि ओवरसीज सेंट्रल के अलावा Uh, उसके अलावा ओवरसीज़ हारमी पार्क ईस्ट उसकी बैलेटिंग जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं जिन्होंने अपनी 45 परसेंट पे कर दी थी उनको प्लॉट की लोकेशन अनाउंस नहीं हुई थी उनको लोकेशंस नहीं मिली थी लेकिन उन मेंबर्स को इस बैलेटिंग में शामिल नहीं किया जा रहा आई डोंट नो वाई अनाउंस नहीं किया कि उसका लेटर शायद बाद में निकाला जाए लेटर स्टेज पर लेकिन अभी तक उनका नहीं आया शायद ये इसलिए हो कि पहले ओवरसीज़ से सेंट्रल के मेम्बर्स ज़्यादा हैं वो पहले अपने प्लाट की इक्नोजमेंट सीड ले लें फिर जो फेबररी में विलास की अनाउंसमेंट है विलास की बैलेटिंग की अनाउंसमेंट उसके वाले से लेटर निकाला जाए और हारमी पार्क के हारी पार्क ईस्ट के हवाले से जो ओवरसीज़ वन ओवसिस वन या ओवरसीज ईस्ट के अपोजिट साइड पे वाक है उसके हवाले से वो अपनी प्लॉट की लोकेशन चूज कर सकें अभी तक सोसाइटी ने इस पर कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं की लास्ट पॉइंट इज के कस्टमर सपोर्ट सर्विस ट्वेंटी फोर सेवन अवेलेबल इन योर केस ऑफ असिस्टेंस एंड क्लैरिफिकेशन सोसाइटी से आप किसी वक्त भी हाँ रब्ता करके अपने तमाम प्लॉट की डिटेल ले सकते हैं कि आपके प्लाट की ड्यू इंस्टॉलमेंट्स कितनी है और जितना आपकी रिमेनिंग चीज़ें वो कितनी है तो ये इस पूरे लेटर का मदन था मैंने ट्राई किया कि मैं जितना डिटेल्स एक्सप्लेन कर सकूँ तो uh, ये ओवरऑल सोसाइटी ने एक लेटर निकाला है इस लेटर में जो बात एक पॉइंट नंबर सिक्स पर चीज गिवन है जो ड्यू डेट थी ट्वेंटी 20%, 20 ने कोविड के दौरान पे किया ड्यूरिंग अप्रैल मई जून जुलाई ये जो लोग थे अगस्त भी इनिशियल फर्स्ट वीक तक उन लोगों को लोकेशन चूजिंग का ऑप्शन मिलना चाहिए था तो ये एक पॉइंट ऐड होना चाहिए बाकी जो तमाम मेंबर्स हैं आई होप मैंने तमाम पॉइंट्स जो हैं बड़े क्लियरली एक्सप्लेन कर दिए हैं आई होप तमाम मेंबर्स बैलेटिंग में शामिल हो और अपने प्लॉट्स को अपनी फाइल्स को प्लॉट्स में कन्वर्ट करें ताकि आपके प्लॉट्स पे अच्छा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो शुरू हो सके क्योंकि जब बैलेटिंग के बाद ओवरसीज़ सेंट्रल का जब मैप ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा और साथ इंटरचेंज पे काम शुरू हो जाएगा जो मलिक असलम हा मतलब असलम साहब बारह हाँ दफ़ा कह चुके हैं बाय द एंड ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन इन शाह इंटरचेंज पर काम स्टार्ट हो जाएगा तो जब इंटरचेंज पर काम स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली ओवरसीज़ सेंट्रल के जो मेम्बर्स होंगे वो सबसे ज्यादा इससे मुस्तफ़ होंगे तो होपफुली उम्मीद करते हैं कि तमाम मैंबर्स जिन्होंने प्लाट बाय कर रखा है कैपिटल स्मार्ट सिटी में ख्वा व किसी सेल्स पार्टनर के थ्रू हो वो अपने प्लॉट की इक्नोलॉजी में सीट हासिल करें और अपने प्लॉट को प्रॉपर नंबर एलोकेट करवाएँ लोकेशन एलोकेट करवाएं और अपने प्लाट का जल्द अज जल्द पोजीशन हासिल करें ताकि वो अपने प्लाट की या तो अगर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उनको ये इजाजत मिल सके या वो प्लाट को सेल भी करना चाहते हैं तो उनके प्लाट्स पर अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ सके सो दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको स्मार्ट सिटी बुकिंग के वाले से कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है प्लस 9, 2, 3, 4, 5, 9, 9, 9, 8, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वो लाइक कमेंट एंड शेयर और, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़